सत श्री अकाल जी, आपां जिहड़ा हैगा ज्योग्राफी दा सैकेंड लैसन दा इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फेसिज ऑफ द अर्थ स्टार्ट किया होया सी। इहदा आपां सॉइल इरोजन तक कर लिया सी, हुण आपां अग्गे चलदे हाँ। हाँ जी, आपां अज स्टार्ट करांगे मिनरल्स। हो मिनरल्स दी जेकर गल करिए, आपां पहलां भी पढ़ चुके हैं, सानूं मेनली रॉक्स हो जिवें आपां कहिंदे आ बनदे हैगे उत्थों मिलदे आ। तो इह जिहड़े हैगे आ जी, मेनली जेकर आपां देखिए किसी भी देश दी इकनोमिक कंडीशन दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लासीफिकेशन इहनूं थ्री कैटागरीज डिवाइड किया जाता। फस्ट है मटैलिक, मटैलिक मीनस मैटल, जिहदे जिहड़े मिनरल्स दे विच किसे ना किसे मैटल दे तत् पाए जाते हैं, जस्ट लाइक जिवें आयरन, कॉपर, टीन, एलूमीनियम एट एक्सेट्रा। नॉन मेटैलिक जिदे विच मैटल्स मतलब जिहड़ी हैगी आ नहीं होंदी, जिवें सल्फर, मीका, पोटाश एटसेट्रा। अगे जी एनर्जी मिनरल्स जिहड़े हैगे आ, जिहड़े की आ फ्यूल जां एनर्जी जिहड़े हैगे आ प्रोड्यूस करन दे लई वरते जांदे आ, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम, नैचुरल गैस, इलैक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। हुण जी आपां इहनां बारे डीपली पढ़दे हाँ। आयरन जिहड़ी हैगी आ, जेकर आपां गल करिए साडे इंडस्ट्री लई सब तों ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा लोहा। एक छोटी जी किल तो लैके वड्डे वड्डे शिप इसे ना बनाए जाते हैं। तो साडे लई जिवें आप कहने मशीनरी वगैरह जिहड़ी लोड हैगी आ साडे एग्रीकल्चर लई जां इंडस्ट्री लई, ओह जिहड़े बनने आ व्हीकल्स वगैरह जां हर चीज़ ज़्यादातर जिहड़ी हैगी आ साडी लोहे तो जां आयरन तो ही बननी है। अगे जी आयरन जेकर मेनली असीं देखिए भी अपरोक्सीमेटली हर कॉन्टीनेंट दे विच महाद्वीप च पाया जाता। जेकर असीं इंडिया की गल करिए, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा में पाया जाता। सैकेंड है जी कॉपर। हुण जेकर आपां गल करिए सही हिस्ट्री की, सानू सब तो पहला जिहड़ी धात मिली सी ओह सी कॉपर। कॉपर दा सैकेंड नंबर आउंदा साडे हुण दे टाइम च, क्योंकि फस्ट ए आ गया आयरन, सैकेंड ते साडे कॉपर आंदा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस की है भांडे वगैरह बनते हैं, ठीक है जी। दैन की है टैलीफोन, रेलवे इंजन, एरोप्लेनस, वॉचिज भी यूज़ किया जाता। तो जिहड़े है चिले साउथ अमेरिका के सब तो वध पाया जाता है। इस तो बिना जिहड़ा हैगा USA जिहड़ा है सैकेंड नंबर पर आ। उस तो बिना जिहड़ा हैगा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया दे विच भी पाया जाता। इंडिया की गल करिए झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान दे विच पाया जाता। अगे बॉक्साइट, एलूमीनियम जिहड़ा हैगा जी मेनली बॉक्साइट तो ही मिलता। दैन की है जी एलूमीनियम लाइट वेट हुंदा है मैटल जिहड़ी, तो आम तौर पर जिवें आपां कहिंदे एरोप्लेन वगैरह दे बनाउण दे लई भी वरत्या जाता, रेलवे, मोटर, बसिस, कार, ते जां जिवें आपां कहिंदे बिजली दियां तारां इन्हां तों बनदियां ने। तो ये की है जी, इनू कदें भी जंग नहीं लगती हैगी, तो बहुत ज़्यादा जिवें आप कहने भांडे वगैरह भी तो बनते हैं। तो ये सब तो वध कितें मिलता जी, ऑस्ट्रेलिया दे विच, इंडिया दे विच भी मिलता, इंडिया च महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ते झारखंड दे विच मिलता। अगे मैगनीज जिहड़ा हैगा जी, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट मिनरल है। तो ये मेनली जिवें आप कहने ब्लीचिंग पाउडर जिहड़े हैगे, पेस्टिसाइड, पेंट, मिरर्स बनाउण दे लई यूज़ किया जाता। तो ज़्यादातर जिहड़ा हैगा गा वह जिहड़ा हैगा रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया विच पाया जाता, तो होर कई कंट्रीज जिहड़ियां साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया दे विच भी पाया जाता। इंडिया च मध्य प्रदेश विच सब तो ज़्यादा पाया जाता, तो होर जिहड़ियां हैगियां प्लेसिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड विच भी पाया जाता। नैक्सट है मीका, इनू अब्रक बोलते हैं पंजाबी दे विच। ये नॉन मटैलिक मिनरल है, ये काफ़ी यूजफुल हुंदा है, ये तो काफ़ी वधिया जिहड़ियां हैगियां चीज़ां बनदियां ने। मेनली जिवें आपां कहिंदे बिजली नाल संबंधित जिहड़ी हैगी आ, जिवें लैंप्स वगैरह, चिमनी, पेंट्स जिहड़े हैगे आ, रबड़ वगैरह आपां कह सकदे हैं, पेपर, एरोप्लेनस, ट्रांसपेरेंट शीट्स, इन तों बनदियां ने। तो सब तो वध जिहड़ा हैगा मीका मिलदा गे तो इंडिया दे विच सब तो वध पाया जाता, फस्ट साडा इंडिया ही है। अगे जी होर जिहड़ा हैगा इंडिया दे विच मिलदा कितें, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है जी। तो इंडिया तो बिना बाहर जिहड़ा हैगा जी वह कितें मिलता, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जनटाइना, कैनेडा दे विच भी मिलता। अगे जी मिनरल फ्यूल्स, मिनरल फ्यूल्स जिवें आपां कह सकते हैं शक्ति खनिज, इहदे विच की आ इहदे फ्यूल्स दे विच कोल, मिनरल ऑयल, नैचुरल गैस, ये चीज़ां मिलदियां ने जिहड़ियां कि सानूं अर्थ दे अंदरों मिलदियां ने। तो इहदी अज दे टाइम च बहुत ज़्यादा जिहड़ी इंपोर्टेंस वध गई है, इंडस्ट्री दे विच बहुत यूज़ की जाती है। असीं घरां दे विच, होटल्स दे विच, शॉप्स दे विच, ते जिवें आपां कहिंदे आं व्हीकल्स दे विच वी इहनां नूं यूज़ करदे आं। ते मेनली जेकर देखिए ये की आ किसी भी जिहड़ी हैगी प्लेस की डिवेलपमेंट के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। अगे है जी कोल, कोल जिहड़ा हैगा जी सब तो मेजर मिनरल फ्यूल है। तो ये की है जी मेनली डायरैक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इनू जिहड़ा हैगा हुण जिहड़ा हैगा मेनली बिजली जिहड़ी हैगी आ प्रोड्यूस करन दे लई थर्मल दे विच यूज़ किया जाता है। तो आम तौर पर जिहड़ा हैगा जी आपां कह सकदे इहदे नाल जिहड़ा हैगा जी आपां इलैक्ट्रिसिटी बनाने आ। तो इहदे की आ कई ढंग नाल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कोल हुंदा की है जिहड़ा धरती दे हज़ारां करोड़ां साल तक दबिया रहिंदा, दबण दे नाल काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसैस होंदी है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा कोल सानूं कच्चे रूप च मिलदा, उसनूं अगे जिहड़ा यूज़ किया जाता। तो कोल नूं जेकर मेन पाया कित्थे जाता जी, जिहड़ा हैगा जी साडा 35 to 65 लैटीट्यूड दे विच, 90% जिहड़ा कोल हैगा वह मेनली
ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਦਰਨ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਨਲੀ ਜਪਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ 5% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ ਮੇਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ। ਮਿਨਰਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਬੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਲੈਕੋਮੋਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਹੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਟਿਨ ਦੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰਾ ਪਲੱਸ ਓਲੀਅਮ। ਪੈਟਰਾ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈ ਜੀ ਰੌਕ, ਓਲੀਅਮ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਲ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰੋਕਸ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਟਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ, ਆਇਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਿਸ, ਵੈਕਸ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਬੂਧਾਬੀ, ਦੁਬਈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਲੇਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।